अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को रजनी के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों की बेइंतहा फरमाइश पे एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, वो है चिकन मंचूरियन विथ राइस। आप सब लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ देती रहूँगी। आज जो मेरी रेसिपी है वो है चिकन मंचूरियन विथ राइस। अच्छा, ये मेरी रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स हैं। 1/2 kg मैंने चिकन ले लिया है, इसको मैंने मॉर्निंग में मैरिनेट कर दिया था। 1-2 tablespoons सोया सॉस, 1 tablespoon विनेगर, 1/2 teaspoon सॉल्ट मैंने कम रखा है, और ब्लैक पेपर तकरीबन 1 teaspoon उसमें मैंने मैरिनेट कर दिया था। कुछ लोग इसमें एग भी डालते हैं लेकिन मैंने एग नहीं डाला। टोमेटो केचप है जो कि तकरीबन 1 से 1.5 cups है। 4 tablespoons मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में घोल लिया है, मैं उसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर अगर मैं देखूँगी ज़रूरत हुई तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ इसमें ऑलरेडी मैरिनेशन चिकन में है। टोमेटो केचप, केचप में भी टेस्ट होता है बहुत अच्छा। और फाइनली जब मेरा ये चिकन मंचूरियन कुक हो जाएगा तो मैं प्याज, शिमला मिर्च और हरी प्याज ऊपर से थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करूँगी। ये लहसुन है जो कि चॉप करके मैं अभी आप लोगों के सामने ऑयल में डालूँगी। अच्छा, ये तो चिकन मंचूरियन के इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं चाइनीज़ राइस के, जो कि मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है। तकरीबन 3 गाजरें चॉप करके, फाइन चॉप करके, हरी प्याज और शिमला मिर्च, 2 हरी प्याज और 3 शिमला मिर्च। ये 4 अंडे मैंने डाले हैं जो आप लोगों के सामने। इसमें 2 tablespoons मैंने मिल्क डाला है और पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं अभी आप लोगों को बहुत अच्छी टिप दूंगी, फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि अंडे का कलर बहुत अच्छा हो जाए। ये मेरी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन मंचूरियन बनाना। जी व्यूअर्स, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे चिकन मंचूरियन विद राइस के। अब मैंने 2-3 tablespoons ऑयल डाला हुआ है। ये मैंने 3 लहसुन के जवे चॉप कर लिए इतनी देर में। इनको अच्छे से हम लोग फ्राई होने देंगे ताकि इनकी फ्राई होने की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी हमारे चिकन में चली जाएगी। दोबारा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, 1/2 kg मैंने चिकन बोनलेस, मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी ताकि खाने में ईजी रहे। इसमें मैंने नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर 1/2 teaspoon, सोया सॉस 2-3 tablespoons क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, थोड़ा सा विनेगर भी डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अंडा भी लोग डालते हैं लेकिन मैंने अंडा नहीं यूज़ किया है, अपनी अपनी पसंद होती है, आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अंडा नहीं डाला। बस अब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे लहसुन, तो मैं इसमें बोनलेस चिकन की बोटी चिकन मंचूरियन के लिए डालूँगी और उसको अच्छे से पकने दूंगी। मेरी मॉर्निंग में ये मैरिनेटेड है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बोनलेस बोटी है, छोटी बोटी है, आपको पता है फटाफट तैयार हो जाती है। चिकन मंचूरियन बहुत तरीक़ों से बनता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बोटी को पहले फ्राई कर लेते हैं सिंपल कॉर्नफ्लावर वगैरह में और फिर टोमेटो प्यूरी बनाते हैं, लेकिन मैं ज़रा सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं यूज़ करती क्योंकि बहुत हैसल होता है फिर आपको याद रखना या हमें याद रखना आपको बताने में। तो ये अब मैं, मेरा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है लहसुन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे और फिर आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अब मैं डाल रही हूँ चिकन जो कि मैंने मैरिनेट कर दी थी। पहले से भी इसमें कॉर्नफ्लावर आप डाल सकते हैं लेकिन मैं इसकी कंसिस्टेंसी देखूँगी उसके बाद डालूँगी। अभी मैं इसको फ्राई होने दूँगी, ज़रा थोड़ा सा फ्लेम में मीडियम से हाई कर रही हूँ ताकि मेरा चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाए। चिकन फ्राई होता जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें केचप, टोमेटो केचप मैंने नॉर्मल लिया है, कुछ लोग टोमेटो पील करके उसकी प्यूरी भी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन ऑलरेडी सोया सॉस वगैरह डाला हुआ है तो उसकी खुशबू विनेगर की बहुत मज़े की आ रही है। छोटी बोटी करी है, खाने में इजी रहता है मंचूरियन। 1/2 kg मेरा चिकन है, बॉयल करके रखे हैं मैंने राइस अपने पहले से, लेकिन मैं आपके सामने ही कुक करूँगी कि किस तरह से हम उनको रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, ये चिकन फ्राई हो गई है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं ऑयल हल्का हल्का आना शुरू हो गया। इसमें मैं केचप डालूंगी, तकरीबन ये मैंने 1.5 cups केचप लिया है, केचप इसमें अच्छी क्वांटिटी में डलता है क्योंकि ये आप इसमें क्रश रेड पेपर भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट देती है वो। थोड़ा सा वाइट पेपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से इसके साथ हिलाएंगे। थोड़ा मज़ेदार सा कलर आना शुरू हो जाएगा, चिकन जो है मेरी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, चिकन का एक अपना अच्छा सा कलर है,
टोमेटो केचप के साथ जाके बहुत मज़े का कलर लग रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर फ्राई करके इसमें फटाफट पानी के बारे में करके रखा है। अगर मैं इसमें पानी डालूँगी आपके ऊपर है, मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला है इसमें और मैं इसको थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए इसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, लेकिन वो स्पाइसी हो जाता है, आपके ऊपर टेस्ट के ऊपर है। बच्चों के हिसाब से तो आप ग्रीन चिलीज वगैरह अवॉइड करें, क्रश्ड रेड पेपर आप ले सकते हैं। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घोल के रखा हुआ था, जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म होना शुरू हो गया चमचा चलाती रहूँगी, हाथ रोक रोक के कॉर्नफ्लावर डालूंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम से लो करेंगे और इसको अब हम 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने राइस के लिए आपको एग फ्राइड राइस के लिए मैंने 4 एग्स ले लिए हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून एग और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। ये मैं आप लोगों के सामने अच्छे से बीट कर रही हूँ। चिकन मंचूरियन हमारा तैयार हो रहा है जो कि 5 to 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताती हूँ कि मैं इसमें फूड कलर यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छा टच देता है इसमें, और एग का जो कलर है वो येलो, डार्क येलो हो जाता है क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप बाज़ार के एग फ्राइड राइस खा रहे हैं। ये मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। पहले हम इसको बीट करके देख लेंगे कि इसका कलर कैसा आ रहा है, अगर हमें थोड़ा और येलो ऑरेंज चाहिए होगा तो हम कर लेंगे। ये अच्छे से हम बीट कर रहे हैं। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 4 एग्स है, 1 to 2 टेबल स्पून मिल्क है ताकि एग में फोमी लुक आए। बहुत अच्छे से मैं इसको बीट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि एग का बड़ा ज़बरदस्त सा कलर हो गया है, ऑरेंज कलर होता जा रहा है, क्योंकि हम जब इसको स्क्रैम्बल करेंगे ऑयल में तो बहुत अच्छा कलर देगा, डार्क ऑरेंज। ये मेरे एग फ्राइड राइस के एग्स हैं। ये मिक्स वेजिटेबल है क्योंकि 2 कैरेट्स हैं, ग्रीन अनियन है, शिमला मिर्च है, वाइट पेपर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, लेकिन हम लोग ट्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं फ्राइड राइस बनाने की तरफ। जी व्यूअर्स, ये मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है एग फ्राइड राइस बनाने के लिए, 4 एग्स जो आप लोगों के सामने हमने अच्छे से बीट किए थे। ये मैं ऑयल में डाल रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, फूड कलर है, पिंच ऑफ 1/2 टीस्पून, और इसमें लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया ताकि किसी भी किस्म की अंडे की स्मेल ना रहे। जब तक ये अच्छे से स्क्रैम्बल नहीं हो जाएगा हम इसको चलाते रहेंगे। फ्लेम को मैं स्लो से हाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा कलर आ रहा है एग का, देसी अंडे वाला कलर आ रहा है, जो कि अब तो आपको पता है कि देसी अंडे ओरिजिनल तो होते ही नहीं है। कभी चाय के पत्ती के पानी में हमें मिल जाते हैं, जब हम उनको घर आके खोलते हैं तो वो फार्म के ही अंडे निकलते हैं बाहर। चलें बस ये अच्छे से हमारा होता रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा एकदम ख्याल आया मुझे आप लोगों को, मैं क्रश रेड पेपर, तो मेरा भी दिल चाह के मैं अपने मंचूरियन में 1 टेबल स्पून मैंने क्रश रेड पेपर डाल दिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। ट्राई करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसा बना, आप भी हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि फिर हमारी हिम्मत बनती रहे, हम आगे आपको मज़े मज़े की रेसिपीज देते रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत हाई फाई रेसिपीज़ ना दूँ, बहुत सिंपल, बहुत ईजी और बहुत इकोनॉमिकल हो, ताकि आप लोग अपने घर में आराम से बना भी सकें और अफोर्ड भी कर सकें। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को सेवैयाँ बहुत पसंद आई होंगी। मैंने अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में सबको जिन जिन को ट्राई करवाई, सब ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, सब ने कहा बहुत मज़े, क्योंकि उस वक्त मुझे कहीं फील हो रहा था कि शायद शुगर बहुत ज़्यादा डली है या कंडेंस मिल्क, लेकिन जैसे जैसे वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है सेवैयाँ खाने में बहुत मज़े की होती है। मेरी अम्मी ने मुझे बाद में एक बात और बताई कि इसमें तुम लौंग का भगार भी कर सकती थी छोटी इलायची के साथ, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि सेवैयाँ कभी आप लोग बनाएं, क्योंकि वेदर अब चेंज हो रहा है, ज़बरदस्त वेदर होता जा रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप लोग लौंग भी डाल सकते हैं छोटी इलायची के साथ भगार कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। मैं चुटकी से डालूँगी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, अंदाज़न मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोग इसको ओवरऑल फ्राइड राइस में
1 टीस्पून दे सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, नमक भी मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून लेके रख लिया था, जो कि आप 1 टीस्पून यूज़ करें, फिर आप चख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा यही होता है कि 1 टीस्पून काफ़ी होगा। वैसे फिर हम लोग चेंज करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, देखते रहेंगे। अगर हमें लगा कि ये कम है, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप देख लें कि इसमें बड़ा अच्छा कलर आ गया एग का, क्योंकि बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट देता है। चिकन एग फ्राइड राइस होते हैं तो आप उसमें चिकन बॉयल करके जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस में और उसको क्रश कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये एग जो था ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो गया, ब्राउन हो गया है, बिल्कुल छोटे छोटे इसके चंक्स बन गए हैं। ये मैंने जो 2 से 3 गाजर चॉप करके हरी प्याज और शिमला मिर्च रखी थी, इसमें मैंने अभी क्या किया है, 2 टेबल स्पून इसी सब वेजिटेबल में सोया सॉस डाल दिया, ताकि अच्छे से वेजिटेबल सारा सोया सॉस एब्जॉर्ब कर लें। मैं इसको बहुत ज़्यादा, आपको पता है सब्ज़ी फ्राइड राइस में या किसी में भी चाइनीज़ में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कुक नहीं होती है। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर जो बची हुई है थोड़ी सी वो डालूँगी, नमक और वाइट पेपर डाल दूँगी। ये फ्राई होता रहेगा, थोड़ा सा फ्लेम मैं हाई कर रही हूँ, लेकिन जब मैं राइस डालूँगी तो मैं फ्लेम को मीडियम से लो कर दूँगी। अब मैं फ़ौरन से बस राइस डाल दूँगी ताकि झटपट तैयार हो जाए। मैंने राइस तकरीबन 3 बड़े वाले कप लिए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। फिर आप बनाते हैं तो फिर आपके यहाँ कभी कोई गेस्ट भी आ जाता है, शाम हो रही है, कोई मेहमान आ गया, या आपने अपने नेबर्स में किसी के यहाँ भेज दिए, जब आपको फीडबैक मिलता है तो फिर आपको बहुत खुशी भी होती है। आप देखते रहें, इसका बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया। जी व्यूअर्स, मैंने इतनी देर में ये किया कि मैंने नीचे तवा रख दिया, हालांकि नॉन स्टिक है हमारे सारे पैंस, लेकिन लगे ना चावल बिल्कुल बहुत अच्छे सा टेस्ट है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाला है, जो कि ऑप्शनल है, अमूमन फ्राइड राइस में नहीं डलता, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है केचप, वो लोग शौक से खाते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा टच लाने के लिए, कलर के लिए केचप डाल देती हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चिकन मंचूरियन मैं फटाफट देख लेती हूँ अपना, ये हो रहा है। अच्छा, इसमें कैप्सिकम, मैंने 1 कैप्सिकम इस तरह थोड़ा मोटा कट के रख दिया था, इसको कुक नहीं करेंगे, बस अब डिश आउट करेंगे। और ये मेरी मीडियम साइज़ की एक अनियन है, जो कि मैंने छोटे छोटे इसके स्लाइसेस कर लिए थे। बहुत अच्छा कलर आया है चिकन मंचूरियन का, आप लोग देख सकते हैं। केचप है, कॉर्नफ्लावर है, अंडा मैंने नहीं डाला, क्रश रेड पेपर मैंने आप लोगों को बताया था मैंने डाल दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, क्योंकि ओवर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो इतना ज़्यादा थिक हो जाता है। 2 to 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला, बहुत मज़े का लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ राइस भी ऑलमोस्ट डन है, 5 मिनट्स के लिए हम इसके लेट लगाएंगे ताकि अच्छे से भाप में और हो जाए, और हम फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और ट्राई भी करेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, मैं ये करूँगी कि इसमें ग्रीन अनियन राइस के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, बहुत मज़े का टच देती है। मैंने बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग इसका फीडबैक अच्छा देंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मुझे बताइएगा आप लोग ट्राई करके कि कैसा बना है। मैंने बहुत कोशिश करी कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स रखूँ मंचूरियन में, फ्राइड राइस फटाफट तैयार हुए थे, मंचूरियन भी हमारा 5 to 10 मिनट्स में तैयार हुआ था। अब मैं इसको तैयार इसको ट्राई करूँगी, मैं बेटी से कहूँगी कि अगर वो आना चाहें आके ट्राई करें। आ जाइए फातिमा, तमाम जी व्यूअर्स, ये मेरी बेटी है फातिमा, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। जी फातिमा, ट्राई करेंगी आप, फिर गर्म लगे तो बता दीजिएगा, लीजिए आप खुद ट्राई कर लीजिए, बताइए कैमरे में आपको कैसा लगा। डिलीशियस, इज अमेजिंग, थैंक यू। चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ, फातिमा आपने चिकन तो यूज कर ही नहीं ट्राई। बहुत मज़ेदार चिकन, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल टेस्ट इसका ना ज़्यादा नमक है, ना किसी किस्म का कोई किस्म का केचप का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाल लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोग इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्रैकर्स ज़रूर दिखा दीजिए, ये क्रैकर्स मैंने रखे हैं, अमूमन चाइनीज़ में सूप्स वगैरह के साथ सर्व होते हैं, ये बाज़ार के क्रैकर्स हैं, इनके साथ आप खाएं गरम गरम,
चाइनीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग नई नेक्स्ट रेसिपी लेके जल्द मिलेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।